बेवफा पत्नी। चौबीस अप्रैल 2018। साल 2018 को पुलिस को एक घर में एक आदमी की लाश मिलती है। इन्वेस्टिगेट करने पे पता चलता है कि उस आदमी का नाम प्रीतम था और मिले हुए मोबाइल पे उसकी पत्नी का एक MMS वीडियो मिलता है, जिसके कारण पुलिस ये मानती है कि उस रात प्रीतम ने विस्की में जहर डालकर सुसाइड किया होगा। लेकिन प्रीतम की पत्नी की किसी को कोई खबर नहीं थी। और आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात जो प्रीतम की पत्नी उसे इस हाल में छोड़कर भाग गई थी? दो महीने पहले उसका नाम अक्षय है। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद उसने हैदराबाद की एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी मिलती है, जहां वो अपने कुंवारी जिंदगी का आनंद देते हुए अपने रूममेट राज के साथ रहता है। अक्षय की एक गर्लफ्रेंड थी प्रिया, जिसे वो बहुत प्यार करता था। लेकिन प्रिया के माँ बाप ने उसकी शादी किसी बिजनेसमैन के साथ कर दी और वो बिजनेसमैन प्रीतम था। प्रिया की शादी के बाद दोनों संपर्क में नहीं थे। कुछ दिनों बाद एक दिन अक्षय को प्रिया शॉपिंग मॉल में दिखाई दी और दोनों बातें करने लगे। अक्षय ने कहा, मुझे तो तुम भूल ही गई है ना? प्रिया ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। बातें करने के दौरान अक्षय ने प्रिया से उसका फोन नंबर के लिए पूछा, लेकिन प्रिया ने कहा कि अब वो एक शादीशुदा औरत है। फिर अक्षय ने उससे कहा, दोस्तों की तरह बातें करेंगे। और प्रिया ने ठीक है कहते हुए उसे अपना नंबर दे दिया और वहां से चली गई। उस दिन से वो दोनों फोन पे लगातार बातें करने लगे। ग्यारह अप्रैल 2018। प्रिया अक्षय को कॉल करके कहती है कि प्रीतम बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। फिर अक्षय उससे पूछता है कि वो कब जा रहा है। प्रिया बताती है कि सैटरडे को। वो सुनकर फिर अक्षय कहता है, तब तो चलो संडे मिलते हैं और रात का डिनर मेरे रूम में करना। प्रिया मना करती है, लेकिन अक्षय के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो डिनर के लिए मान जाती है। पंद्रह अप्रैल 2018। संडे अक्षय अपने रूममेट राज को कहता है, राज प्लीज क्या तू आज की रात अपने दोस्त के वहां रुक सकता है, क्योंकि मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को डिनर पर बुलाया है। राज ने ठीक है कहा, लेकिन जाने से पहले उसने बेडरूम में एक कैमरा छुपा कर रख दिया। रात को अक्षय प्रिया को अपने कमरे में लेकर आया और दोनों वहां डिनर करने लगे। बातें करते करते थोड़ी ही देर में दोनों पुराने दिनों को याद करने लगे। पुरानी बातों को याद करते करते उन्होंने एक दूसरे को बाहों में ले लिया। फिर अक्षय प्रिया को उठाकर अपने बेडरूम में लेकर गया। अंदर राज ने जो कैमरा रखा था वो ऑन था। उस कैमरे में उनके बीच के सारे पलों को कैप्चर कर लिया। बीस अप्रैल 2018। थोड़े दिन के बाद प्रिया को राज के नंबर से एक मैसेज आया।
जब प्रिया ने वो मैसेज देखा तो उसमें अपनी और अक्षय की वीडियो देखकर वो डर गई। उसने राज को कॉल किया और वीडियो डिलीट करने के लिए कहकर उसे बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत मिन्नत की, लेकिन राज ने कहा, वीडियो डिलीट करके मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। फिर प्रिया ने उससे पूछा, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? पैसा किसे चाहिए, मैं तो तुम्हारे साथ बस एक रात गुजारना चाहता हूँ। प्रिया घबराते हुए कहती है, नहीं राज प्लीज, अगर मेरे पति को पता चल गया तो मैं प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगी। और राज उससे कहता है, अगर तुम नहीं मानी तो मैं ये वीडियो तुम्हारे पति को भेज दूंगा और इंटरनेट पर भी डाल दूंगा। इतना सुनकर प्रिया बहुत घबरा जाती है और उससे पूछती है कि कब और कहां उसे आना होगा। राज ने उससे कहा कि आने वाले संडे की रात उसके कमरे में उसे आना होगा और ये बात उसे किसी को नहीं बतानी होगी। इतना कहकर राज ने वो कॉल रख दिया। दूसरे दिन प्रिया अक्षय को मिलकर उसे सारी बातें बताती है और दोनों राज को विस्की में जहर डालकर उसका मर्डर करने का प्लान बनाते हैं। बाईस अप्रैल 2018 3 बजे। राज ने अक्षय को आज की रात बाहर रहने को कहा था। राज ने अक्षय को कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड डिनर के लिए आ रही है और वो करीब 3 बजे तक यहाँ पर पहुँचेगी। अक्षय ने कहा, ठीक है, मैं 3 बजे के बाद यहाँ से चला जाऊँगा। शाम 5 बजे दूसरी ओर प्रिया विस्की में जहर मिला ही रही थी कि प्रिया का पति प्रीतम बिजनेस टूर से घर वापस आ गया। पति को देखकर प्रिया घबरा जाती है और घबराहट में वो प्रीतम से ये कहकर घर से चली जाती है कि उसकी सहेली का एक्सीडेंट हो गया है। और जल्दी जल्दी में वो अपना मोबाइल और जहर मिली विस्की की बोतल वहीं पर भूल जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रीतम प्रिया को कॉल करता है, लेकिन प्रिया का फोन वहीं था। फोन को उठाकर प्रीतम देखने लगता है। फोन को चेक करते हुए प्रीतम को राज का मैसेज दिखाई देता है। अपनी बेवफा पत्नी की ये वीडियो देखकर वो हैरान हो जाता है। उसे अपनी पत्नी की बेवफाई का पता चल जाता है। इधर प्रिया अक्षय को बताती है कि वो विस्की की बोतल अपने घर पर ही भूल गई है। अक्षय कहता है, डरना नहीं, रूम में जाओ, मैं कुछ करता हूँ। संडे की रात लगभग 8 बजे राज दरवाजा खोलता है और प्रिया को अंदर ले जाता है। फिर राज प्रिया को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन प्रिया घबराते हुए बस राज को देखती रहती है। राज फिर से कहता है, हमसे क्या शर्माना। फिर प्रिया अपने कपड़े निकालने लगती है। राज प्रिया को देखकर मजे ले ही रहा था कि अचानक पीछे से उसका गला अक्षय ने काट दिया। राज के मरने के बाद वो दोनों उसकी लाश को सूटकेस में पैक करते हैं। रात 9:45 पर प्रिया और अक्षय राज की लाश को जंगल में गाड़ने के लिए ले जाते हैं कि तभी वहां पर प्रीतम पहुंच जाता है। प्रीतम को देखकर दोनों एकदम डर जाते हैं। फिर प्रीतम उनसे कहता है, मुझे पता था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा था, इसलिए मैं बिजनेस टूर के बहाने तुम दोनों पे निगरानी रख रहा था। इतना कहते ही प्रीतम ने गोली चला दी।
गोली मारकर उसने अक्षय और प्रिया को वहीं मार दिया और तीनों की लाशों को और उस गन को जिससे उसने गोली मारी थी सबको वहीं गड्ढे में डालकर बंद कर देता है। रात करीब 12 बजे प्रीतम घर वापस पहुंचता है। घर आकर प्रीतम उसी विस्की की बोतल को खोलकर पीता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसमें जहर मिला हुआ है और विस्की पीकर उसकी भी मौत हो जाती है। ठीक उसके 2 दिन के बाद पुलिस को प्रीतम की लाश के बारे में पता चलता है, लेकिन अभी तक प्रिया और अक्षय और राज की लाशों के बारे में किसी को पता नहीं है। इस कहानी की तरह कई सारे क्राइम केसेस हैं हमारी सोसाइटी में। कई लोग गलत वीडियो का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करते हैं, स्पेशली लड़कियों को, और कई सारे लोग प्यार में धोखा देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रीतम ने अपनी बेवफा पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड अक्षय को मारकर ठीक किया, या फिर उसे ये क्राइम नहीं करना चाहिए था? हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।